कितना समझाया था कि लालच के पुलाव में रिश्वत के मटर को मत डालिए, लेकिन आपने एक नहीं सुनी और आप फंस गई ना। हाँ जी जी मम्मी जी, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा जी। अब मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मेरे हाथ पे लिख देंगे मेरी मम्मी चोर है। चुप कर। सर देखिए, देखना दिखाना जो भी था मैं देख चुका हूँ। रिश्वत लेने के जुर्म में मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। सर आप चलिए मेरे साथ। सर एक मिनट। हाँ जी। चमचे किराया बढ़ चुका है। सही है मैडम, अब आप कपड़े बदल लीजिए। यही सच्चाई है मैडम, अब आप कोई पुलिस वाली नहीं है। जाइए कानून की वर्दी कानून के कमरे में बदल लीजिए प्लीज। चल हट। सुनिए, हम लोग आ गए हैं मीटर गिरा के। तो क्या करें, गिद्दा डालें भंगड़ा डालें, तुम दोनों की आरती उतारें? अरे आपने ही तो बुलाया था ना, किराया बढ़ चुका है। अरे तुम लोग भी बढ़ जाओ यार। अब शायद तुम लोगों को पता नहीं लेकिन हमारी मैडम की नौकरी का पापड़ जल चुका है, तंबू उखड़ चुका है, ट्रेन छूट चुकी है। तुम लोग जाओ यार यहाँ से। देखो यार, हमारी मम्मी जी की नौकरी जा चुकी है और हमारा मूड ठीक नहीं है। तुम फिर आना जब हम बुलाएंगे। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, जब मन करे बुला लीजिएगा। मीटर गिरा के किराया बढ़ चुका है। अरे चले चलना। हाँ भाई माला, देख भाई आमना सामना को तो यकीन हो गया है कि हमारी नौकरी जा चुकी है। ईब देख, मैं चलाऊंगी थारा ऑटो और करूंगी इनका मीटर डाउन। यस, ऑल द बेस्ट मैडम। ऑटो चला के हट सामने से, मरेगा क्या? क्या यार, ये लो मैडम मेरा ऑटो। अंकित, आपसे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछो। हिस्ट्री? अरे हिस्ट्री का कोई भी। बस बस बस, दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन है? सबसे पुराना जानवर बहुत इजी है, जुरैसिक पार्क चार बार देखी है मैंने, डायनासोर। गलत, आपके यहाँ जो हवलदार है ना, गोपी, वो। गुड वन यार, गुड वन गोपी। दुनिया का सबसे पुराना जानवर। बेचारी कल तक पूरा शहर चलाती थी और आज ऑटो चला रही है मीटर गिरा के। बताओ, कल तक हम इनकी चौकी में रहे और आज यह हमारे चौराहे में आ गई है। किराया बढ़ चुका है, अब आएगा असली मजा। हम भी देखते हैं कि इस सड़क पे ये ऑटो चलाती कैसे है मीटर गिरा के। हमू देखे कि कौन सी सवारी आके आपके ऑटो में बैठती है, किराया बढ़ चुका है। अबे हट, साला ऑटो भी चलेगा और सवारी ऑटो में बैठेगी भी। माँ का दूध पिया है तो रोक के दिखा देना। चला हटे अभी। अरे आप रे, ये टॉप। मैडम कसम है आपके चरणों की, सौगंध है आपके नाम की, मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैडम। अरे उन दोनों की हिम्मत कैसी हुई कि आपको चैलेंज करें? हाँ जी जी मम्मी जी, मेरी रगों में बह रही पंजाबी लस्सी दी सौं, मैं फटे चक देंगा। चक दे फटे। वेरी गुड, मारे करण अर्जुन गोपी किशन है, किशन कन्हैया। मन ने घनी खुशी है कि किसी ने मन ने चैलेंज दिया और हमारे जो बालक हैं बिल्कुल ही जी में चला गए, इनका जो है खून उबल गया। पर यो याद रखो, यो जो लड़ाई है ये पुलिस वाली की ना है, एक आम औरत की लड़ाई है। इसलिए मन ने यो लड़ाई एक पुलिस वाली ना बल्कि एक आम औरत बन के ही लड़नी है। ओके, ऐसा है वो पीटू कहाँ है यार, ही हैज नो सेंस ऑफ टाइम व्हाटसोएवर। आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने हमें क्यों बुलाया?
हाँ तैने बुलाया तो है पर मन नहीं, वो बता आज ऑफिस क्यों ना गया है तू? मत पूछे मैडम, अरे आज हमारे दफ्तर में छुट्टी है, हम कल ऑफिस में जाएंगे। हाँ भी कक्के, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कल तुम मम्मी जी के साथ बैठ के ऑटो में जाओगे। टेंशन नहीं लेनी क्योंकि मम्मी जी पुलिस वाली हैं। हाँ हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि अब मैडम पुलिस वाली नहीं है। एक मिनट, दादाजी आप बता रहे हो कि मम्मी पुलिस वाली हैं पर ये बता रहे हैं कि ये पुलिस वाली नहीं है। समझने वाली कि मैडम उन दोनों की नजरों में नहीं है पुलिस वाली। ओके बाय। फिर भी मैडम हम कुछ ज्यादा समझे नहीं। अबे तू समझ मत, तू इतना दिमाग पे जोर ना डाल है, जितना नहीं है उतना भी खर्च मत कर। तू बस कल रेडी होके आई और टाई वाई लगा के ऑफिस जाने के लिए, मैं अपने ऑटो में उठा के तन को ऑफिस छोड़ के आऊंगी। ओके और अगर हम नहीं आए तो अस्पताल छोड़ के आऊंगी। हम आएंगे। गुड। भैया मन ने देखे कि कल यो आमना और सामना कोई ना कोई काइयापंती तो जरूर करेंगे। क्या है भैया, एक लगाओ जरा सेब पूरी बनाओ। किराया बढ़ चुका था। तीखा डालो जरा। हेलो चितपुटियागंज। अरे 15 मिनट में आके खाती हूँ। चितपुटियागंज। हाँ बैठो बैठो। अबे पंचर, अरे अभी तो सही था। अरे यार, अरे रे 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 रे, लगता है टायर वह पंचर हो गया है मीटर गिरा के। बताओ, लगता है कौनो इनका टायर में घुस के हवा निकाल गया है ससुरा। किराया बढ़ चुका है। अरे अब हमारा क्या होगा? आज फिर से हम दफ्तर लेट पहुंचे तो मत पूछे क्या होगा। अबे तू क्यों रो रहा है? मैं हूँ ना, पहुंचाऊंगी तेरे दफ्तर और वो भी टाइम पे। कैसे पंचर टायर से? अभी भी टाइम है चंद्रमुखी चौटाला, छोड़ दो इज्जत और तुम दबा के हिया से निकल लो मीटर गिरा के। देखो हमेशा से आमना और सामना का ही इस रोड पे राज रहा है और आगे भी राज रहेगा। ए चिंटू चल हमारे ऑटो में बैठ, हम तुमको छोड़ देते हैं, किराया बढ़ चुका है। अगर यहाँ से हिला ना तो दुनिया से हिला दूंगी मैं। अब एक मिनट भी और यहाँ खड़ा रहा ना तो तुम्हारी सारी हड्डियों को एक एक करके तोड़ डालेंगे। चल बैठो, चलो चलो। अरे अब हम क्या करें क्या न करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मत पूछिए। आमना अलेक्जेंडर। हाँ सामना सिकंदर। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। ये ऐसे मानने वाली नहीं है, इसको मजा चखाना पड़ेगा। किराया बढ़ चुका है। हाँ सामना, हम दूसरी सड़क के ऑटो वालों को भी यहाँ बुला लेते हैं, उसका बाद इसको पीट पीट के सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। नहीं। और उसके बाद कोई दूसरा हमारी सड़क पे ऑटो चलाने की हिम्मत नहीं करेगा मीटर गिरा के। किराया बढ़ चुका है। F.I.R.
तो मैडम मानना पड़ेगा आपने कमाल कर दिया मैडम। मैडम आप एक नंबर की चालाक लोमड़ी, मेरा मतलब है चतुर हिरनी, मतलब बहुत ही दिमाग वाली है। हाँ जी जी मम्मी जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैडम ने जो कहा वो कर दिखाया, उन दोनों को अच्छा सबक सिखाया। ओके बाय। वैसे जो है सबसे बढ़िया एक्स पर्सन तो उस पीटू के फेस पे थे। अरे उसकी शक्ल देखने लायक थी जब वो ऑफिस जो है सही टाइम पे पहुंचा। क्या बात। हाँ वही ऐसा है, माला बेचारी गरीब छोरी है, उसका ऑटो बढ़िया से चलता रहे, खुशी से रहे, वो अपना संसार चलाए, हमें और क्या चाहिए। मैडम मैं आ गई ऑटो चला के, हट सामने से मरेगा क्या। अरे अरे यार अब ऑटो क्या, अब तो टांगा भी चलता है। मैडम खतरा है, खतरा है, जान को खतरा है मैडम, ऑटो चला के, हट सामने से मरेगा क्या। What are you talking baby? तुम्हें उन दोनों ने जान से मारने की धमकी दी है? मुझे नहीं, मैडम को धमकी दी है। मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे आपने हमें बताया नहीं कि उन दोनों ने आपको जान से मारने की धमकी दी है? मम्मी जी आपने उन दोनों को जमीन में गाड़ क्यों नहीं दिया? अरे समझ गया मैं गोपी, समझ गया। मैडम आप में अब वो बात रही नहीं, आपकी ताकत की टैबलेट घुल चुकी है और आपकी इज्जत हमारी नजरों में धुल चुकी है। अबे कौन पैदा हो गया है माई का लाल साला है, जिसने धमकी दी है मन्ने। तो फिर ये माला ऐसे क्यों कह रही है, व्हाई? अबे इसे बोलने दोगे दोनों हैं पंजाबी एंड पता है कहाँ का है तू, आज तक यही क्लियर नहीं हो। अबे तू बोल, खड़ी है बिल्कुल ही चुपचाप। मैडम मैंने अपने इन दोनों कानों से सुना है मैडम, वो आमना सामना आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे मैडम, कि वो कल ना आपसे निपटने के लिए कई सारे ऑटो वालों को इकट्ठा करने वाले हैं मैडम। मैडम आपकी जान को खतरा है मैडम, ऑटो चला के। मैडम मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ मैडम, कि आप वहाँ कल मत जाना मैडम, हम ऑटो चलाना छोड़ देंगे मैडम, कुछ और काम कर लेंगे मैडम, क्योंकि हमें आपकी जान बहुत प्यारी है मैडम। मैडम प्लीज 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 मैडम। तो सीधा ऊपर पहुंचा देते मीटर गिरा के, किराया बढ़ चुका है। पानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तुम लोग मन्ने ऊपर पहुंचाने आए थे ना, कि मैं नीचे आकर तुम लोगों को देखो कहां पहुंचाती हूँ। नहीं, 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 नहीं।
हमको माफ कर दीजिए मैडम, मीटर गिरा गए। हाँ मैडम, हमसे बहुत भूल हो गई मैडम, बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे मैडम, आज से वो माला का ऑटो हम खुद साफ करेंगे, किराया बढ़ चुका। वाह मैडम, वाह। थैंक यू मैडम। मैडम आज अगर आप नहीं होती ना तो ये लोग मुझे अबला की मुसीबतों का तबला बजा देते। ऑटो चला के हट सामने से, मरेगा क्या? और हमारा ऑर्केस्ट्रा, मैडम हम कुंवारे हैं ना, तो रोज इसी तरह लेट ऑफिस पहुंचते। मैडम मैडम, इस सिचुएशन में मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कील हथौड़ी बना दो जोड़ी आइडिया आ रहा है। आइडिया मारी समझ में आ गया, क्या आइडिया है? यो छोरी है घनी सुशील और यो छोरा है कुमारा, तो क्यों ना हो जाए मिलन तुम्हारा, और फिर ये अपने ऑटो में बिठा के तुम्हें दफ्तर छोड़ने जाएगी। अरे घर का ख्याल रखेगी, खाना भी पकाएगी, अरे अच्छी सी ग्रह लक्ष्मी बन के तुम्हारी लाइफ बनाएगी। तो बोलो रिश्ता पक्का? मत पूछिए, 100%।